ओके सो आज किस नई वीडियो में आप लोग को सिखाने वाले कुछ इस टाइप से पेन है पीजी आग फायर कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। आप लोग देख सकते हैं बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इस टाइप की एडिटिंग में कई लोगों ने आप लोग को पता नहीं कैसी कैसी एडिटिंग बताई है, क्या क्या स्टेप बताए, बट मैं आप लोग को बहुत ईजी स्टेप बताऊंगा, एकदम सेम एडिट करना आप लोग को सिखा दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं, ट्राई करने के लिए नहीं बोलूंगा, आप लोग की मर्जी आप लोग कर दीजिएगा। तो चलिए फटाक से वीडियो की तरफ। आप लोग को सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन बैकग्राउंड को ओपन कर लेना। बैकग्राउंड पीएनजी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग को बैकग्राउंड रिसाइज कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं मैंने रिसाइज भी कर लिया हूं। तो आप लोग को सिंपली यहां से जाना है ऐड फोटो पे, ठीक है। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैं अपनी फोटो एंड पीएनजी को ले आऊं, तो आप लोग को भी इस टाइप से ले आना है। देन आप लोगों को क्या करना है, अपनी फोटो को इस टाइप से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो पीएनजी है ना, ये फायर की आप लोग को यहाँ पे ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो एक मिनट में क्या करता हूँ, इसे नीचे के साइड कर लेता हूँ, ऊपर की साइड। तो आप लोग को इस टाइप से एडजस्ट कर लेना और आप लोग को फोटो को जिस टाइप से क्लिक करा लेना, जैसे आप लोग ओम भाई की देख सकते हैं। तो इनका भी यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल की जाके सब्सक्राइब कर लेना, गुरुजी है मेरे। तो आप लोग को यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना है, वो पीएनजी को अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा इस टाइप से। एंड फिर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से फोटो पे टैप करना है एंड आप लोग को इसकी हार्डनेस को कम एंड ओपेसिटी को कम करना है और आप लोग को इस टाइप से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यूँ आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। तो मैं इसकी हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी इस टाइप से बढ़ा लीजिएगा और आप लोग को इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसकी हार्डनेस एंड ओपेसिटी कम करके फिर थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, तो आप लोग को इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है। शेड वगैरह करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा इसको, फोटो को अपनी, ठीक है। यूँ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा और एडजस्ट करने के बाद आप लोग और भी ब्लैक कर सकते हैं नीचे के साइड पे, यूँ साइज बढ़ा करके। तो यूँ आप लोग को ऐसे कर लेना है ड्रॉ टाइप में, ठीक है, मतलब कर लेना है, ठीक है। और फिर आप लोग को यहाँ से कर लेना है डन, ठीक है। डन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, वो आप लोग को अभी बता देता हूँ मैं। तो ये का आप लोग को क्या करना है, यहाँ से ऐड फोटो पर जाना है और आप लोग को ये नकड़ी की पीएनजी ले लेनी है, बस नकड़ी भर की लेने और आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना है इसे, ठीक है। यूँ आप लोग को ऐसे लगा देना है इसे और इसे इन्वर्ट कर लेना। इन्वर्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेना है, तो ये आप लोग ऐसे निकाल लेना है और बीच का आप लोग को इरेज कर देना कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अब लग रहा है कि जैसे कि हमने पकड़ रखा है, तो मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ, यूँ ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अब सही लग रहा है, तो यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। एंड डन करने के बाद आप लोग को क्या करना है गाइस, यहाँ से इसे सेव कर लेना ड्रॉ टूल्स पे जाके, ठीक है। एंड सेव करने के बाद हम लोग चले जाते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन पे। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैं लाइट रूम एप्लीकेशन पे आ गया हूँ, तो आप लोग को सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पे जाना और आप लोग को क्या करना है, ऐसे व्हाइट को इंक्रीज करना है एंड ब्लैक को आप लोग को ऐसे कम कर देना। फिर आप लोग को इस वाले आइकन पे चला जाना है और आप लोग को ब्राइटनेस को दे देना एंड गाइस आप लोग को सैचुरेशन को भी थोड़ा सा दे देना है, ठीक है। तो इससे रेड टोन डल जाएगी, तो ये आग का जो आ रहा ना कलर, तो हमारे फेस में भी पड़ जाएगा, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। तो फिर आप लोग को क्या करना है, यहाँ से मिक्स टूल पे चला जाना, जो फर्स्ट कलर मिलता है उसको आपको कम कर देना सैचुरेशन को। एंड आप लोग को अगले कलर्स पे जाना है, तो इसके हु को हल्का सा बढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को कम करना है, सॉरी, आप लोग इस टाइप से कम कर लीजिएगा एंड सैचुरेशन को आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा थोड़ा सा और लूमियंस को आप लोग ऐसे कम कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी कलर है आप लोग ऐसे कम कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा सा, और ये जो भी कलर है इनको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा ऐसे कम कर लीजिएगा, जैसा भी आप लोग को करना है। तो ये कलर ज़्यादा मतलब के नहीं है, फिर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। एंड इसे आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा एंड यहाँ से कर लीजिएगा आप लोग डन, ठीक है। एंड डन करने के बाद आप लोग इस वाले आइकन पर चला जाना है, तो आप लोग को क्या करना है, ये बिगनिंग एफर्ट को आप लोग को थोड़ा सा ऐसे कम कर देना, मतलब ज़्यादा ही कम मत करिएगा, इतना आप लोग को कम कर देना है। एंड आप लोग को यहाँ से ग्रीन अमाउंट को दे देना है और साइज को करना माइनस, ठीक है। और भी अगर आप लोग एडजस्टमेंट करना है तो आप लोग शार्पनिंग डाल सकते हैं, नॉइज रिडक्शन डाल सकते हैं। तो बस इतना ही था मेरा, और कुछ नहीं करना मेरे को। तो मैं आप लोग को बिफोर एंड आपका दिखा देता हूँ, हमारी फोटो एकदम प्रेरणा भाई जैसी एडिट हो गई है। तो आप लोग को शेयर वाले आइकन पर जाकर फोटो करना है सेव। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारी फोटो सेम प्रेरणा भाई जैसी एडिट हो गई है, मैंने आप लोग को सेम एडिट करना सिखा दिया। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए, जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।